खबर रीवा से, जहां शहर की लगभग 15 वर्ष पुरानी इकलौती दूध मंडी काफी समय से अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है। इस समय जब एक बार फिर भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तब दूध मंडी के करीब 2000 व्यापारी खुले आसमान तले अपना व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए नगर निगम प्रशासन आज तक छाया की व्यवस्था नहीं कर पाया। मजबूरन खुले आसमान के नीचे दूध मंडी संचालित की जा रही है। शहर की दूध मंडी इन दिनों कला मंदिर के सामने संचालित हो रही है। यहां पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक हजारों व्यापारी न सिर्फ जिले के लिए बल्कि सीधी सतना मैहर तक के व्यापारी यहां दूध लगाकर अपना व्यापार करते हैं। इन व्यापारियों से नगर निगम प्रशासन प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से टैक्स की वसूली भी करता है। इसके बाद भी उनके लिए छत्र छाया का कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई। गर्मी हो या ठंडी या फिर बरसात, हमेशा इन्हें खुले आसमान तले व्यापार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नाम के लिए तो यहाँ एक टीन शेड छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन इस शेड में इतनी जगह नहीं कि सभी दूध व्यापारी इसमें आ सके। इस टीन शेड के नीचे अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कुछ बोलने पर व्यापारियों के साथ विवाद करते हैं। दूध की यहाँ मंडी करीब 15 वर्ष पूर्व बनी थी, क्योंकि उस समय दूध व्यापारी शहर में यहाँ वहाँ चौराहों पर खड़ा होकर अपना व्यापार करते थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन विधायक राजन शुक्ल ने पहल करके यहां दूध मंडी का निर्माण कराया, लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा यहां पर आने वाले दूध व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। दूध मंडी के लोकार्पण के बाद यह जगह अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। साफ सफाई के अभाव पर हर रोज कचड़ा नजर आता है। यहाँ पर कई लोगों ने चारों तरफ गुमतियां रखकर अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही इस जगह को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा है। चारों तरफ नशीली सिरप शीशियाँ पड़ी रहती हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते ज्यादातर दूध विक्रेता मंडी आने से कतराने लगे हैं। अरे यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, मान ले या भैया मैंने यहाँ बैठा रहा था, अरे दूध ना बैठे के जगह ना कुछ, अब मान ले के ही अब पुलिस वाले नहीं बैठे देता है, मैंने रखे रहा था दूध फट जाता है तो कौनो मतलब नहीं निकले, ना को मान ले अब इनके का आया है कुछ छाया ना छत्ता है कुछ ना पानी के आया ना कुछ हुआ है। यहाँ देखिए आप लोग सब देख रहे हैं गंदगी का अंबार है। यहाँ दूर दराज से दूध वाले आते हैं, उनके पीछे चोर उचक के ये सब दूध खड़े होने के लिए जगह नहीं है। जो कोई खड़ा भी होता है इधर उधर तो लोग डांटते हैं, उसे हटाते हैं, दूध भी गिरा देते हैं। यहाँ हर प्रकार की परेशानी है। मालूम है आपको कि यहाँ मंडी है, लेकिन मंडी जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कीचड़ मरा रही है। हमारा लोगों का संघ भी बना हुआ है, तो संघ में अव्यवस्थित काम हो रहे हैं, ये बात नहीं है। अब यहाँ जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण जो कोई किसी को बोला जाता है तो मानते नहीं है। अतिक्रमण हमारे सिर से सिर हटाया जाए, और बाकी पानी का सुविधा है, इसका क्रेसिंग जो है तो गल गया है, तो इसका नगर निगम के माध्यम से उसको सुधार किया जाए। फिर यहाँ छाया की व्यवस्था किया जाए। दूर दराज से जो लोग आते हैं अव्यवस्थित होते हैं, यहाँ दूध पहुँचाने आते हैं, अब दूध अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ जाते हैं लेकर के, ऐसा नहीं है। बच्चे लोगों को दूध लेकर के आते हैं, अच्छा दूध ले आते हैं, गंदा दूध नहीं ले आते हैं, दूध अच्छा देते हैं। इसलिए कि अच्छे लोग दूध लेते हैं, अच्छा दूध जब खाएंगे उनके बच्चा पिएंगे तो उनकी दिमाग अच्छी रहेगी।